ए सिलेंडर आपके पास है, एग्जांपल नंबर 2.2। ए सिलेंडर इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इन सच ए वे डेट इट एक्सिस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास मान लीजिए सिलेंडर गिवन है, डेट इज सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बोला क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है इस तरीके से है कि वो उस सिलेंडर के एक्सिस से क्या है, पैरेलल। तो ये डैश 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 ये सिलेंडर का क्या हो गया, एक्सिस, दोनों एक दूसरे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो आपको शो करना है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस सिलेंडर से वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आपके पास होता है। ये किसी एक क्लोज सरफेस का है, बट जो सिलेंडर है वो टोटल तीन या थ्री क्लोज सरफेस से मिलकर बना है। कौन कौन सी तीन आपके पास क्लोज सरफेस हैं, ये एक क्लोज सरफेस आपके पास है डेट वन, इस क्लोज सरफेस का ये एरिया हुआ, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर होता है या सरफेस वेक्टर होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसका आपके पास एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड कंपोनेंट होगा, डेट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डेट इज डी एस वेक्टर। सिमिलरली एक सेकेंड सरफेस एरिया ये भी रहा हुआ, ये सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डेट इज ये होगा डी एस वेक्टर आपके पास होगा। हमें एक थर्ड एरिया जो एक कर्व बचा हुआ आपके पास, डेट इज कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, डेट पॉइंट, यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट, और टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होगा रेडियली आउटवर्ड उसको क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर, डी एस वेक्टर आपके पास। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास सिलेंडर है इसमें टोटल कितने एरिया वेक्टर हैं, तीन। तो तीन सरफेस वेक्टर है, इसलिए इसका जो फ्लक्स होगा वो आपके पास थ्री टाइम्स सम होगा इसका। तो हमने बोला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ सेकेंड सरफेस और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऑफ थर्ड सरफेस। आपके पास जितने सरफेस वेक्टर होंगे उतनी बार ही आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डेट इज फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर सेम डायरेक्शन, डेट इज थीटा बिटवीन देम इज जीरो डिग्री। ई वेक्टर डी ए वेक्टर डी एस वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे थीटा कितना फॉर्म होगा, जीरो। सेकेंड सरफेस के ऊपर डी एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। और थर्ड सरफेस में सरफेस वेक्टर डेट डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट है, तो ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है आपके पास, 180। तो थर्ड सरफेस पे थीटा कितना बनाएंगे, 180 डिग्री आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट रिमूव करते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। फर्स्ट सरफेस पे थीटा कितना है, जीरो, डेट इज कॉस जीरो डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 90। सेकेंड सरफेस पे एंगल कितना है, 90 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 180 डिग्री आपके पास। नेट फ्लक्स कितना होगा पास, तो कॉस जीरो डिग्री वन होता है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस प्लस कॉस 90 जीरो होता है, ये टर्म जीरो होती है तो पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। कॉस 180 माइनस वन होता है तो ये कितना हो जाएगा पास, क्लोज इंटीग्रेशन माइनस के ई ऑफ डी एस आपके पास। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्लक्स कितना होगा आपके पास, ई फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एस बचेगा। सेकेंड टर्म के अंदर इसका कोई मीनिंग नहीं है जीरो का, यहाँ लिख सकते हैं हम कितना आपके पास, माइनस के ई बाहर आ गए कांस्टेंट थे और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, वन डी एस। फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डी एस का इंटीग्रेशन कितना होता है, एस, माइनस साइन ई वन डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, एस।
ई एस से ई एस कैंसिल आउट हो गया तो नेट फ्लक्स कितना आया, जीरो। और यही हमें प्रूफ करना था कि सिलेंडर से नेट फ्लक्स जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। थैंक यू।